खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। कन्हैया कुमार, तो ऐसा बताया जा रहा है कि सीपीआई का जो आप जहां आपका निवास स्थल है वो तो गढ़ है। जी हाँ, क्या लगता है आपको यहां से कितने वोट जा रहे हैं कन्हैया कुमार को? देखिए, सीपीआई का गढ़ था आज से 10 साल पहले, 2005 से पहले सीपीआई का गढ़ था। यहां से एक एक वोट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को जाता था, लेकिन 2005 में मैंने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान मिटा दिया है। यहाँ से इक्का एक दो वोट ही सिर्फ अगर मिल पाएगा कन्हैया को मिल पाएगा, नहीं तो यहाँ से कन्हैया का पत्ता साफ है, कम्युनिस्ट पार्टी पतन हो चुका है। कमरुद्दीनपुर से तो यहाँ से मेरे वास्ते तो सफाया ही। लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर को तोड़ना बड़ी मुश्किल बात है। नहीं नहीं, कम्युनिस्ट ऐसा कैसे आपने कर दिया यहाँ? यहाँ पर मैंने अपने मेहनत और अपने ईमानदारी के बदौलत किया। कम्युनिस्ट पार्टी का सिर्फ सिद्धांत है, लेकिन उस सिद्धांत पर लोग नहीं रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का नेता सारे बेईमान और वो क्या कहते हैं, गुंडा और खून खराबी करवाते हैं। इनका जहां जहां भी आप देखें कम्युनिस्ट पार्टी का अगर नेता है तो सिर्फ गुंडागर्दी करवाते हैं, खून करवाते हैं। इसलिए इनका कम्युनिस्ट में तो आप भी थे एक दिन। जी हाँ, आप भी उसके कैडर रहे होंगे। जी, आपको पता है कि कम्युनिस्ट सिद्धांत से समझौता नहीं करती है। जो उसके कैडर होते हैं, पुराने कैडर जो धरातल पे काम करने वाले, टिकट उन्हीं को मिलता है। फिर ये कन्हैया कहाँ से आ गए टिकट लेकर? जी हाँ, कन्हैया जी, आपको पता होगा कन्हैया जी बोलते हैं कि मैं मोदी के खिलाफ हूँ। अरे भाई, मैं कहता हूँ कन्हैया जी, आप अगर मोदी के खिलाफ हैं, आपका आप मोदी का विरोध करते हैं, तो आप मोदी से वहाँ लड़ाई लड़ते हैं, आप बेगूसराय कहाँ से आ गए? इनको जब कहीं जगह नहीं मिली तो ये अपने घर आ गए और घर से ही सोचे कि हम अपने घर से चुनाव लड़ेंगे तो घर के बेटा समझकर हमको लोग वोट देगा। लेकिन ऐसा देशद्रोही को ऐसा वोट नहीं मिलेगा। यहाँ का तमाम जनता उनको समझ चुकी है। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करेगा उनको हम लोग देशद्रोही कहते हैं। वैसे लोगों का यहाँ पर कोई जगह नहीं है, कोई वोट नहीं है। 2019 के चुनाव बेगूसराय में रोज लगता है कि जैसे समीकरण बदल रहा है, आए दिन एक नए उम्मीदवार सामने खड़े हो जाते हैं। अभी हमारी एक बात हुई थी अमर कुमार, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा से समर्थित हैं, उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए। देखिए, मैं यह नहीं कहूँगा कि मुझे सिर्फ हिंदू का ही वोट चाहिए। मुझे हिंदू मुसलमान जो भी हैं, जो विकास में अपना आस्था रखते हैं, वो तमाम लोगों का वोट चाहिए, तमाम लोगों का। तो आपको लगता है कि यहाँ से कन्हैया कुमार जीत पा रहे हैं? देखिए, यहाँ से कन्हैया कुमार को मेरे यहाँ से उतना वोट नहीं जा रहा है, चूँकि कन्हैया कुमार हवा में है और उनको थोड़ा बहुत वो हिंदू का ही वोट काट रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं रहे, वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। मतलब वो नंबर पर भी नहीं आ पाएंगे और सबसे पीछे रहेंगे। मैं समझता हूँ 1 लाख से 1.5 लाख के बीच उनका वोट आएगा। लेकिन नॉमिनेशन में तो सबसे ज्यादा भीड़ थी। हाँ, नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा भीड़ थी, वही भीड़ आपको वही सिर्फ उतने ही वोट रहेगा। जो भीड़ आप देखे थे, बस वही भीड़ आपको दिखा, वोट भी उतना ही रहेगा। आपको लगता है कि गिरिराज सिंह और तनवीर हसन में लड़ाई है? जी, जीत कौन रहे हैं? जी, मैं तो कहूंगा गिरिराज सिंह ही जीतेंगे। इसलिए कितने वोट से जीत पाएंगे? लगभग 2 लाख वोट से। 2 लाख वोट से? जी। किस समीकरण पर आप बता सकते हैं कि 2 लाख वोट से जीत जाएंगे? क्योंकि गिरिराज सिंह विकास पुत्र नीतीश कुमार के साथ हैं, गिरिराज सिंह विकास पुरुष हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। जो अभी मोदी जी का जो विकास का लहर है, उस लहर में गिरिराज सिंह ही जीतेंगे, और नीतीश जी का जो विकास का लहर है, इसमें गिरिराज सिंह ही जीतेंगे। भूमिहार का वोट बंदर बांट नहीं होगा? नहीं, भूमिहार का वोट बंदर बांट नहीं होगा। कुछ वोट हो सकता है कन्हैया जी को मिल जाए, लेकिन अधिकतर भूमिहार वोट गिरिराज जी को ही मिलने जा रहा है और मिलेगा भी। निषाद का वोट किधर जाएगा? जी हाँ, निषाद का वोट बटेगा, क्योंकि मुकेश जी का गठबंधन जो कर लिए हैं, इस वजह से कुछ निषाद का वोट जाएगा। लेकिन मैं एनडीए के साथ हूँ और यहाँ से वोट भी एनडीए को 70% यहाँ से वोट अगर जाएगा तो एनडीए को जाएगा, बाकी 30% में बाकी लोग।